दी हूँ कि शैतानी देख लो आप, हमारी खोल के भाग गई और फिर नानू ने बंद कर दी, फिर बोल रही है कि मुझे खोल के तो अलमारी। ये देखो शैतानी इसकी चालू रहती है और इसको बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाने होते, यहाँ पे बिस्किट रखे रहते हैं, नमकीन रखी रहती है और चौको पाए वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें रखी रहती है, वो उसको खानी नहीं होती, बस ये खोलती है और उसके बाद नहीं खानी, बस वही नानू इसको दिखा रहे हैं कि ये बिस्किट है, ये कुछ है, तुम खाती नहीं हो, तो नानू को बस उसका उसकी अलमारी खुल गई, उसका काम बन गया, अब नानू को वो भगा रही है, चली जाओ नानू। देखो देखो नानू से कह रहे जाओ नानू जाओ, तो नानू जो है उसके वो जा रहे हैं, अब वो चौको पाए निकाल के भाग कर आएगी मेरे पास। ये देखिए अभी खाया नहीं है इसने, कैसे रखा हुआ, बस खोला इसने उसके बाद मम्मी नहीं खाना, सब पता सब कुछ चिपती रहती है कुछ चीज़ें। वेरी गुड, और ये टीपी निकाल खोलते ही उसको नानू की गोदी में चढ़ने को पता नहीं क्या याद आ गया, नानू बाबू टीपी निकाल बाबू नानू गोदी आएगी। चलिए आप देखिए और आगे देखिए, मैं आगे जाती हूँ बड़ी मम्मी के घर पर, थोड़ा सा थोड़ी सी पीपी तो निकाल वो दी जाएगी नानू के। और बताइए आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके आवाज लगा सकूँ, आप कंटिन्यू देखते रहिए। गाइज यहाँ पर हम जा रहे हैं अपनी बड़ी मम्मी के घर पर, ऐसे ही अचानक प्लान बन गया, मेरी सुबह ही बड़ी मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी ने कहा चलो चलते हैं, दीदी की तबीयत ख़राब है उनको भी देखाएंगे, और दीयू मैडम भी जिद कर रही थी बड़ी नानी के घर चलो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, इसने मतलब सुबह बात करी उनसे तो इसको बस ये था कि वहाँ जाएंगे कोल्ड ड्रिंक मिलेगी पीने को, तो मम्मी ने कहा चलो चलते हैं, ये जाती भी नहीं है कहीं, इसका थोड़ा घूमना हो जाएगा और मौसम जो है वो अच्छा है, कभी धूप हो जाती है कभी छाव हो जाती है, उमस वाला मौसम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये है कि ठीक ठाक मौसम है और चारों तरफ ग्रीन ग्रीन, हमारे इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल पास का ही एरिया है, अभी बस स्टार्ट करी है मतलब अपनी जर्नी हमने, और ये दो आप देख सकते हैं ये पार्किंग, ये कॉलेज है यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल पास में ही है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है इतनी पार्किंग है। और सो ऑलमोस्ट जो है हम आधा रास्ता, आधा क्या 95% जो रास्ता है वो हम पार कर चुके हैं और जो घर है वो आने वाला है, तो मैंने कहा चलो फिर से स्टार्ट कर देती हूँ अपनी जो व्लॉगिंग है, ताकि जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, यार क्या करूँ क्या बनाऊँ व्लॉग मुझे खुद समझ में नहीं आता, तो आज बड़ी मम्मी के यहाँ जा रहे हैं तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो शूट करेंगे करेंगे, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मेरी बड़ी मम्मी का घर कैसा है, टूर तो नहीं करवाऊंगी बस ये है आप लोगों को दिखाऊंगी घर कैसा है, तो ये आप देख सकते हैं ये वाला बड़े सा जो गेट है, एक मिनट मोड़ेंगे हम गाड़ी तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा, तो जो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ब्राइट सा घर दिख रहा है इस टाइम पर ये वाला, ये है बड़ी मम्मी का घर और हम पहुंच चुके हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत शूट करते हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन ग्रास है घर के आगे, और अभी थोड़े टाइम पहले ही जो वाइट वॉश वगैरह वो हुई है, और ये बड़े पापा मेरे, तो चलते हैं घर के अंदर, और ये छोटा सा गार्डन है इनका, और सामने जाके सीधा ड्राइंग रूम है, बट अब हम जाएंगे बेडरूम में जो सबसे पहले पड़ता है बड़े पापा का बेडरूम, ये है बेडरूम बड़े पापा का,
ये देखो एक कमरा ये है, फिर ये है थोड़ा सा डाइनिंग एरिया, और सामने किचन है, फ्रिज भी यहीं रखा है डाइनिंग एरिया में, और एक बेडरूम और है ये कमरा, तो बड़ी मम्मी है। ये एक कमरा और है, ये दीदी का कमरा है, और ये मैं हूँ। तो दीव मैडम चढ़ गई गोदी में नानी की, और जो वहाँ पे बहुत सारी फोटोज लग रही हैं छोटी छोटी छोटी, तो वो देखेंगी मैम, अपने आप को देखेगी, सब बच्चों की फ़ोटो लग रही है वहाँ पे, दिया की भी है, सोना की भी है, तो बस वो ही देख रही है। और इसको बड़े मज़े आते हैं कहीं जाकर, बहुत खुश होती है। थोड़ा सा खेलने के बाद इसकी जो शैतानियाँ हैं वो स्टार्ट हो जाती है, और ये करने लगी शैतानियाँ, दवाई की बॉटल्स वगैरह रखी थी बस उसको इधर उधर ड्रेसिंग टेबल खोलना बंद करना वो इसने स्टार्ट कर दिया। हेलो, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना। सो गाइस, अभी जो है वो टाइम हो रहा है 4:45 का, और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, क्योंकि बड़ी मम्मी के घर से आते आते ना रास्ते में दी को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो बस उसको गाड़ी से उतारती मैंने उसको दूध दिया और उसके साथ लेट गई, तो उसको सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गई, तो बड़ी ही अच्छी वाली नींद मतलब जो है आ गई थी। और मम्मी के घर पर तो सबको बहुत अच्छी वाली नींद आती है, ये आपको पता ही है, अपने घर पर तो मुझे बेचैनी सी रहती है, बस ऐसा लगता है कोई आएगा मुझको ही दरवाज़ा खोलना है, और पता नहीं बार बार जब ऐसा महसूस होता है ना कोई आएगा दरवाज़ा खोलना, तो महसूस होता है अरे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आ रही है, या बेल तो बज रही है, या कुछ हो रहा है, ईयरफोन तक नहीं लगा पाती हूँ मैं, तो बस यहाँ पे सो गई हूँ। अभी सो के उठी हूँ 4:45, क्योंकि मेरा भाई आया और दीव को एज यूजल दीव को चेक कर रहा था, तो उसने दीव ने जो है सोते सोते जो है सूसू कर दिया बिस्तर में, तो उसके कपड़े वपड़े चेंज करे मेरे भाई ने, और कपड़े चेंज करवाते करवाते वो रोने लगी, फिर उसको दोबारा सुलाया तो वो तो सो गई, और मैं फिर नहीं सो पाई, तो मैं आ गई हूँ बाहर गार्डन में। मैंने कहा अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं ताकि आप लोगों को टाइम से ब्लॉग जो है वो मिल जाए। कोई प्लान नहीं था बड़ी मम्मी के घर जाने का, ऐसे ही अचानक प्लान बन गया तो हम लोग चले गए, और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी दूर पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है कि बस में जाना पड़े या ऑटो में जाना पड़े, बस 15-10 मिनट का रास्ता है सीधा सीधा, तो बस गार्डन में बैठी हूँ। और ये देखो चींटियाँ चल रही है मैडम, चींटियाँ अपना घर बदलती है जब बारिश आती है, इनको पहले ही पता चल जाता है, ये लोग अपना घर वगैरह जो है वो चेंज करने लगते हैं। एक मेरा एक नाखून जो है ना वो ऊपर से ये टूट गया, तो ये बाल अगर ऐसे करो ना तो बाल इसमें फंसते हैं, तो इसको मुझे कट करना है। आजकल पता ही क्या हो रहा है, मैं ब्लॉग जो है वो बना नहीं पा रही हूँ, जिससे पहले मैं बहुत अच्छा सा ब्लॉग प्रिपेयर करके एडिट करके रखती थी, टाइम टू टाइम मैं उसको अपलोड कर देती थी, बट 2-3 दिन से ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, हैंड टू हैंड ब्लॉग बनता है और फिर उसको मैं अपलोड कर देती हूँ, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं किसी का जो है वीडियो भी वॉच नहीं कर पा रही, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट है आजकल, बहुत ज़्यादा। मोनेटाइज हो गया चैनल, इस चीज़ की खुशी है मुझे, बट उसके बाद से मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, होता है कभी कभी ना, मेरा मन नहीं कर रहा उसके बाद से ही बनाने का मन नहीं कर रहा, उससे पहले मुझे लगता था हाँ मुझको ये पूरा करना है, ये तो मैं करके ही रहूँगी, बट उसके बाद से तो समझ लो एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने जो वीडियो है वो, पहले मैं 2-2 बना के रखती थी, बट उसके बाद से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, होता है यार कभी कभी डाउन हो जाते हैं हम खुद ही, अपने आप को कभी कभी हम खुद ही डाउन कर लेते हैं। और बस बैठी हूँ पीछे, दीव सो रही है, उसके मामा लेटे हैं अब सोने के लिए, मम्मी किचन में हैं कुकिंग कर रही हैं और बना रही हैं कुछ स्पेशल सा, और कपड़े धोए थे मम्मी ने,
कल धोए थे शायद, कल बारिश की वजह से अच्छे से सूख नहीं पाए, तो आज भी बाहर डाले हैं। देखो ये वाले तो आज ही धोए हैं, ये रसोई के कपड़े हैं ये सारे आज धोए हैं, और भी कपड़े हैं यहाँ ये सब, मुझे भी धोने थे आज बट मैं आलस कर गई, मैं आज कपड़े धोने का। और हाँ कल रात को चलते चलते मेरा कूलर बंद हो गया, मुझे वो भी ठीक कराना, बिना कूलर के गुजारा नहीं है। कल तो मौसम जो है बहुत अच्छा था, ठंडा था, तो नींद आ गई, बट आज मुझे गर्म गर्म से लग रहा है, धूप भी है, कल धूप बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे कूलर भी ठीक करवाना है, नया कूलर है, पता नहीं चलते चलते क्या हो गया उसने, शायद तार लूज हो गई, क्योंकि पंप चल रहा है और जो क्या कहते हैं उसका स्विंग वाला जो होता है इधर उधर करने वाला वो भी चल रहा है, बस जो उसका फ़ैन है वो नहीं चल रहा, उसको चेक करवाना है, तो वो चेक करवाऊँगी घर जाके, जब भी जाऊँगी घर चेक करवाऊँगी, बहुत सारे काम होते हैं कभी कभी। तो इस वाले ब्लॉग को चलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।